दिल्ली में रविवार तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। मनीष सिसोदिया का बयान, दिल्ली में हवा की स्थिति खराब, बच्चों की सेहत से नहीं किया जा सकता समझौता। दिल्ली के सीएम ने बढ़ते स्मॉग पर लिखी पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी, दोनों राज्यों के सीएम से मांगा मिलने का वक्त। दोनों राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि आपसी तालमेल से प्रदूषण से निपटा जा सकता है। पराली जलाने को लेकर एनजीटी ने चार राज्य पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान को थमाया नोटिस, गुरुवार तक मांगा जवाब। गाजियाबाद में पांचवीं तक के स्कूल दो दिन तक रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने दिए सभी स्कूलों को आदेश। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक के बाद एक 18 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे का वीडियो आया सामने। नोटबंदी के एक साल पर आम आदमी पार्टी ने मनाया काला दिन, नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आप विधायक विजेंद्र गर्ग का बयान, नोटबंदी से चौपट हुआ व्यापार, न काला धन आया न आतंकवाद कम हुआ। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर बीजेपी ने मनाया एंटी ब्लैक डे, बीजेपी नेताओं ने किया पैदल मार्च। बीजेपी के पैदल मार्च में शामिल हुए कई बड़े नेता, पैदल मार्च से दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम। विजयनगर में युवक की गला रेतकर हत्या, कल शाम से गायब था युवक, पुलिस को मृतक के करीबियों पर हत्या का शक। ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट सोसाइटी में चल रही थी लड़कियों की पार्टी, पड़ोसियों ने जबरन घुसकर कराया बंद, लड़कियों से मंगवाई गई माफी। हापुड़ में किसान ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या, गांव के जंगल में पेड़ से लटका मिला किसान का शव। हापुड़ के शोरूम में लाखों रुपए की साड़ी चोरी होने से मचा हड़कंप, चोरों ने हजारों की नकदी पर भी किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस।